नमस्कार, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 11 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के इस सत्र में 11th के स्टूडेंट्स जानेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विषय, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की चर्चा का। आप लगातार जुड़े रहिए। और ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ में अलीगंज केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक जुड़ चुके हैं श्री सुशील कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छात्रों के लिए। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून देवेंद्र जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी छात्रों का हम वेलकम करते हैं इस लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम में। जी, तो छात्र मित्रों और शिक्षकों और अभिभावकों से हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए इस विषय पर जानकारी के लिए। साथ ही आपको DTH के अलावा आपके पास विकल्प है YouTube पर जुड़ने का। YouTube पर हमारे चैनल NCERT ऑफिशियल पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ या अपनी प्रतिक्रियाएं, आपके जो सवाल हैं, पोस्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में NCERT ऑफिशियल पर। इसके अलावा टेलीफोन नंबर मैं आपको बता दूं, 8800440559 के माध्यम से भी आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल एड्रेस भी है dth.class7@cieet.nic.in। इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव लाइव सेशन है और इसमें जो एक्सपर्ट हैं हमारे वो जुड़ते हैं, न सिर्फ अपनी तरफ से जानकारी देने के लिए बल्कि जो छात्र हैं उनके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं, उस विषय के इर्द गिर्द क्या क्वेरीज हैं, उसको भी शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे और सवाल शुरू करेंगे, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट आपके लिए करेंगे हम। वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू democracy and multilateralism in India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो ये थी इम्पॉर्टेंट जानकारी या इन्फॉर्मेशन। और आपको एक बार फिर से अपना ईमेल एड्रेस हम शेयर कर दें जिसके माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप हम तक पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है dth.class12@cieet.nic.in। और अब सर का स्वागत करेंगे फिर से और सर से चाहेंगे कि शुरुआत करें आज के प्रश्न और आज के प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहले सवाल सर मेरे मन में जो उठ रहा है इस विषय, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, टॉपिक के इर्द गिर्द, वो है व्हाट इज एक्चुअली द जीन। जीन क्या है, इसे कैसे समझें आसान भाषा में छात्र या जो अभिभावक और शिक्षक हैं। यस देवेंद्र सर, जैसा कि हम और आप लोग अपने माता पिता से कुछ ना कुछ समानता रखते हैं, आप अगर अपने आप को देखें तो या तो आप अपनी माँ से कुछ जो लक्षणों में उनसे समानता रख रहे होंगे, या आप अपने पिताजी से कुछ ना कुछ आपके लक्षण, जैसे शारीरिक लंबाई हो सकती है, आंखों का रंग हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है, कान की बनावट हो सकती है, नाक की बनावट हो सकती है, मतलब कुल मिला के जो हमारे आपके फीचर्स हैं वो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। अब ये जो माता पिता से जो लक्षण मिलते हैं, इसके लिए उत्तरदायी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो जीन्स होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस वो कहलाती है कि हम अपने माता पिता से जो गुण इनहेरिट करें, मतलब उनसे प्राप्त करें, और इस पूरी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम चीजों को कहेंगे, वो जीन्स होते हैं, और ये जीन्स DNA के बने होते हैं। देवेंद्र जी, ये एक सेगमेंट ऑफ DNA होते हैं, और जो आगे चल के DNA में एक विशेष क्रम होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का, और ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को कोड करते हैं, अपना संदेश एक प्रकार से पहले RNA में भेजते हैं, फिर RNA की से उस कोड को डेसिफर किया जाता, उसको एक्सप्रेस करके प्रोटीन के रूप में हम और आप लोग देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और अगर हम
एक साधारण सी भाषा में कहें तो जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और जो हम अपने माता पिता से कैरी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देवेंद्र जी और मेरे अंदर हर गुण के एक सेट ऑफ दी जीन्स मदर साइड से और एक सेट ऑफ दी जीन्स फादर साइड से आते हैं। मेरे आपके शरीर में लगभग 46 क्रोमोसोम अर्थात 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये विशेष स्ट्रक्चर होती हैं जो थ्रेड लाइक होती हैं, प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। ये मेरे ख्याल से अब बात समझ में आई होगी। और निश्चित संख्या होती है इनकी, जैसे पहले ये माना जाता था कि जीन्स की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास मानी जाती थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट आया था जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये जब अलग अलग कंट्री के माध्यम से हमारे सामने उसके रिजल्ट आए, उसके बाद ये पता चल गया कि अब भाई जीन्स होते हैं ये लगभग 20,000 से लेके 25,000 की संख्या में इंसान की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और ये हमारे अलग अलग गुणों के लिए जिम्मेवार होते हैं। और हम जो आज का टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, इसमें हम जीन से संबंधित किस प्रकार से कैरेक्टर्स प्रभावित होते हैं और कैसे गुणों की वंशानुगति होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे गुण पहुंचते हैं, इस सब की हम आपको बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। जो ये आज हम बात कर रहे हैं, ये जेनेटिक्स एक विज्ञान होती है, एक बायोलॉजी के अंतर्गत एक ब्रांच ऑफ दी साइंस है जेनेटिक्स, जिसमें कि हम ऐसे मान सकते हैं कि पहले अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो जीव जंतु होते हैं तो उनके बच्चे देखा होगा वो जब जन्म देते हैं तो उनके जैसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग अपने बच्चों को जन्म देगा जिन्हें पपी कहते हैं तो वो डॉग की तरह ही दिखाई देंगे, या कब जिन्हें लाइन के बच्चों को कहते हैं तो वो लाइन की तरह दिखाई देंगे, या फिर हम कह सकते कि अगर हम मैंगो ट्री के सीड को अगर जमीन में डालेंगे जो कि मैंगो ट्री से प्राप्त होता है तो मैंगो के ट्री की तरह ही प्लांट ग्रो होगा। तो ऐसे कह सकते कि ह्यूमन बीइंग भी अपने जैसे ह्यूमन बीइंग को जन्म देते हैं, और ये सब इसलिए संभव होता है क्योंकि इसके पीछे एक रिश्ता है। जैसे आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो अब अगर देखेंगे तो अभिषेक बच्चन में थोड़ी सी झलक अमिताभ बच्चन जी की दिखाई देती है, या ईशा देओल में हेमा मालिनी की तरह ही कुछ चेहरे की बनावट है, ये हमारे फिल्मी सितारे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के बीच में कुछ चेहरे की बनावट एक दिखाई देती है, या विक्रम साराभाई से देखा जाए तो मल्लिका साराभाई का चेहरा मिलता जुलता है। तो ये एक रिश्ता है पिता पुत्री का या पिता पुत्र का, तो ये माता या पिता से जो गुण हैं उनके बच्चों में जाते हैं और इसके लिए जो जिम्मेवार स्ट्रक्चर होती है वो जीन होती है। और हम जेनेटिक्स के अंदर जो एक लाइफ साइंस की ब्रांच है, इसमें हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। सवाल उठता है कि हेरिडिटी क्या होती है, तो हेरिडिटी कुछ और नहीं, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब हुए जो जो बच्चों में पेरेंट से जो भी गुण आते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और ये या जो टेंडेंसी है हाउ द ऑफस्प्रिंग ट्रांस गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट, तो ये हेरिडिटी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर हम देखेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर ये तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन भी उठते हैं कि सेम पेरेंट के जो अगर उनके बच्चे होते हैं जो, तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता भी देखी जाती है, कुछ प्यूपिल में डार्क और कुछ प्यूपिल में फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी की हाइट कम होती है किसी की ज्यादा होती है, या एक ही परिवार के जो बच्चों के जन्म होते हैं तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा भिन्नता रखते हैं। तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएशन, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएशन इज द डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग एंड विद देयर पेरेंट, मतलब दो जो भाई बहन हैं या भाई भाई हैं या दो सिस्टर हैं एक परिवार की, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसके अलावा उनका डिफरेंस
अपने पेरेंट्स से भी होगा, और इस प्रकार की ये वेरिएशन हेरिडिटी वेरिएशन कहलाती है, एंड दीज आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल। तो मतलब ये जो वेरिएशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। बहुत सारी ऐसी वेरिएशन होती है जिसे हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। सो एक होती है कि जो जन्म से ही वेरिएशन प्राप्त हुई, और दूसरी होती है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, मतलब द वेरिएशन दैट इज एक्वायर्ड ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंट। सो सच वेरिएशन आर सेड टू बी एक्वायर्ड। एंड सबसे कमाल की बात यह होती है बच्चों की जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होती है वो नॉन हेरिटेबल होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं हो जाएगी। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि एक कोई पेरेंट है, उनके दो बच्चे हुए, तो दो बच्चों में से एक बच्चा ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर वातावरण में गर्मी ज्यादा रहती है, सूरज की रोशनी सीधी गिरती है, और दूसरी वो जगह जहां पर बहुत कोल्ड टेम्परेचर रहता है 4-5 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर धूप से कम सामना होता है, ठंडक ज्यादा होती। तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे थे, और एक प्रकार से हम ऐसे समझें कि दोनों ट्विंस थे, मतलब ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस थे, मिलते जुलते थे जन्म के समय, लेकिन वो किसी कारणवश अलग अलग इन्वायरमेंट में रहे, एक बहुत गर्मी वाले एरिया में रहा, एक बहुत ठंडे वाले एरिया में रहा। उनके अंदर देखोगे कि कलर वेरिएशन आ गया, मतलब स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग हो इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण या पॉल्यूशन के कारण, तो उनमें भी ये करेक्टर देखा जाए। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल वेरिएशन दीज आर एक्वायर्ड, मतलब हम सब प्राप्त करते हैं, एंड नॉन हेरिटेबल। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब हम अगर आपसे बात बताएं तो जो जेनेटिक्स ब्रांच की बात करें, तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि जो वर्ल्ड जेनेटिक्स है ये सबसे पहले विलियम बेटसन ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे, बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया था। हमारे बच्चे अक्सर इसको गलत कह देते हैं, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत काम किया, और जेनेटिक्स के ऊपर इन्होंने कई नियम दिए बहुत सारे, और अपने शोध को इन्होंने प्रकाशित भी किया। लेकिन जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले विलियम बेटसन ने दिया था, बट काम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, एंड इसके आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और मेंडल साहब ने जो अपना काम किया, मेंडल साहब एक चर्च में पादरी अर्थात फादर थे, और वहां पर उसके लॉन खूब बड़ा था, तो वहां पर खूब सारा जमीन उनको थी, उसमें उन्होंने मटर के पौधों को उगाया, और उनके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए जिन्हें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मतलब दो अलग अलग पौधों के बीच में संकरण कराया, और इसके आधार पर अपने रिजल्ट को उन्होंने एक टाइटल के अंतर्गत पब्लिश भी कराया। उस टाइटल का नाम था ट्रांसलेशन ऑफ द करेक्टर्स, और एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने इसको पब्लिश कराया। उनके इस रिमार्केबल वर्क के आधार पर ही उन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल वैसे एक फादर थे और एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने देखिए अपने काम को वैज्ञानिक ढंग से किया, और लगभग 1884 तक वो लाइव रहे, और इस दौरान उन्होंने 1822 से 1884 तक लगभग 62 ईयर की एज तक काम किया, और अपने काम को उन्होंने प्रकाशित भी किया, और इसके आधार पर फिर हम और आप लोग आज चर्चा कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात बच्चों ये थी कि जब तक मेंडल साहब जिंदा रहे उनके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, उनके काम को तवज्जो नहीं दी गई, लोगों ने उन पर गौर नहीं फरमाया। 1900 में तीन वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के इन नियमों को रीडिस्कवर किया, दीज थ्री साइंटिस्ट आर ह्यूगो डी व्रीज जो कि हॉलैंड के थे, और कोरेंस जो थे वो जर्मनी के, और इरिक शेरमार्क ऑस्ट्रिया के थे। तो ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, जर्मनी के कोरेंस एंड हॉलैंड के डी व्रीज ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल का जो काम था उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसकी व्याख्या की, और इसके आधार पर लोगों ने फिर इनके काम को बड़े ही सीरियसली लिया, देखा, और इसके आधार पर फिर जो जेनेटिक्स है
इसके काम को गति मिली। जी तो सर, सर जी व्हाट आर द जीन, इसके बारे में आप बात कर रहे थे और इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो वेरिएशन आते हैं वो जरूरी नहीं है कि सोर्स से ही आए, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट भी उसके लिए बहुत हद तक मायने रखता है। ये छात्रों को समझना बेहद जरूरी है। अब अगला प्रश्न जो उठता है सर कि हाउ डिफरेंट डीएनए एंड आरएनए, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं और क्यों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए? बिल्कुल देवेंद्र जी, हमारा आपका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है जी। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग होती है उसमें छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं और ब्रिक्स को जब हम एक डेफिनेट मैनर में जोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, जैसे कि आप चाचा नेहरू बिल्डिंग में सीआईटी में बैठे हुए हैं तो वो बन जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे ही जो हम सब के शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनी है और उन कोशिकाओं के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म एक्चुअली होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक और न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए। आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस में कन्फाइंड रहते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब जो डीएनए है उसका नाम डीएनए इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए पड़ा कि राइबोज शुगर जो 5 कार्बन की होती है वो पाई जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर। डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल होता है। हम इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि जैसे हमारे आपके घर में लैडर सीढ़ी आपने देखी होगी बांस की या फिर स्टील या आयरन की, तो वो डबल हेलिक्स की तरह डीएनए होता है और बीच बीच में आपने लैडर पर जैसे चढ़ते हैं सीढ़ियां बनी रहती, तो ऐसे ही डीएनए डबल हेलिकल होता है। लेकिन आरएनए अधिकतर सिंगल हेलिक्स का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता। डीएनए थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है कि डीएनए से जीन्स बनते हैं, मतलब डीएनए ही जीन को बनाता है, एक एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके निश्चित न्यूक्लियोटाइड जो आगे चल के एक डेफिनेट आरएनए को कोड करते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि डीएनए से हमारे जीन बने होते हैं और जीन अर्थात डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं, मतलब क्रोमोसोम पर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के छोटे छोटे खंड मिलके जीन बनाते हैं। ऐसे ही आरएनए का भी अलग काम है। आरएनए डीएनए से डीएनए के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, इस प्रोसेस को बच्चों रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए आरएनए को बना सकता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं, और आरएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए एंड आरएनए आर द पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एंड बोथ आर सेड टू बी द न्यूक्लिक एसिड। जी मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। सर शुरुआत का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न था उसके जब हम जीन की बात कर रहे थे, व्हाट आर द जीन्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, तो आपने जिक्र किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो ये एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में छात्रों को एक बार विस्तार से बताएं ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में छात्रों को समझने में थोड़ा आसानी होगी। हाँ, ये शब्द हमने प्रयोग किया था, बिल्कुल आपने सही बच्चों ने पूछा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और ये लेट जो 1980 के आसपास शुरू हुआ था, 1980 के बाद ये शुरू हुआ, 2004 के आसपास तक चला। तो ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ फाइंडिंग की गई, कुछ खोजी गई कि प्रत्येक जीन के बारे में पढ़ा गया, जितने भी हमारे शरीर में क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर, तो उन क्रोमोसोम के हैप्लाइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम पर कितने जीन, उन एक एक जीन की स्टडी की गई और किस जीन से क्या करेक्टर कंट्रोल होता है। मतलब जैसे कि आपने देवेंद्र जी या देखा होगा कि कुछ
परिवार में देखे होगा कि बहुत अच्छे जीन होते, हेल्दी जीन होते, सुपीरियर जीन होते, मतलब लोग हेल्दी रहते, हाईली इंटेलिजेंट होते, मेहनती होते, स्मार्ट होते हैं, बट कभी कभी दुर्भाग्य से कुदरत इतनी मेहरबान नहीं होती और कुछ परिवार में जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखे गए या डिजीज जीन देखे गए। तो अब ह्यूमन जीनम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रत्येक जीन से रिलेटेड फंक्शन को डेसिफर किया गया, पढ़ा गया, समझा गया कि किस जीन से क्या कंट्रोल होता है। तो सारे जीन्स की स्टडी की गई और देखा गया कि कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, कई कंट्री इसमें इन्वॉल्व थे और जो 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम, एक पेयर हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, तो हर कंट्री को अलग अलग क्रोमोसोम दिए गए और इसके आधार पर ये बहुत पैसा खर्च हुआ। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूनाइटेड स्टेट इसके अंतर्गत जो ये बॉडी है, इसके बाद साथ में वेलकम इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा। और यहीं पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्रेग वेंटर था, वो इसके पैरेलल स्वयं उन्होंने अपने प्राइवेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर प्राइवेटली एक उनकी लैब थी, एक कंपनी जिसका नाम सेलेरा जीनोमिक्स, सेलेरा जीनोमिक्स के बैनर तले। एक तो था सब कंट्री मिलके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप, ये सारे फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी सब मिलके काम कर रहे थे, चीन, और दूसरा एक वैज्ञानिक जिन्हें बहुत शिद्दत के साथ याद किया जाता है, क्रेग वेंटर साहब, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इंडिपेंडेंटली काम किया और लगभग दोनों का काम समान पाया गया और इसके आधार पर हम आज इस पोजीशन में पहुंचे कि हर जीन के द्वारा कौन से करेक्टर्स कंट्रोल होते हैं और क्या एक्सप्रेस होते हैं, उसके आधार पर हम नई नई दवाइयां बनाने में, सूचना को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे फार्मा इंडस्ट्री में, और कुल मिला के इंसान के अंदर की पूरी मेटाबॉलिक्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है शरीर के अंदर, क्या क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है, इसको समझने में बहुत हद तक हमें और आपको सहायता मिली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी हमारे बच्चों को। जी जी, और इस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इसके अगले चैप्टर में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ गोल थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 6 गोल थे, वो सारे हम फिर आगे आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी और मुझे लगता है कि जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में छात्र मित्रों को बहुत समझ में आया होगा और आगे जैसा कि आपने बताया कि अगले पाठ में और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और एक प्रश्न उठता है, क्योंकि हम जीन्स की बात कर रहे हैं, वंशागति की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सर? यस यस, तो अभी आपने जैसे पढ़ा कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन व्हिच वी स्टडी the different character, how characters are transmitted from one generation to next generation. So, ये हम लोग genetics में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा आपका देवेन जी जब जन्म हुआ होगा, उसके बाद साइंस की एक ब्रांच बहुत तेजी के साथ बढ़ी और उस ब्रांच को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस ब्रांच ने कमाल का काम किया है, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन हुए हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक्स की ही एक प्रकार से कह सकते सिस्टर ब्रांच है, लेकिन इसमें बच्चों देख रहे होंगे ना, इंजीनियरिंग शब्द लगा हुआ है और इंजीनियरिंग शब्द आप जानते हैं वहां उपयोग किया जाता है जहां कोई चीज बनाई जाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, तो आम भाषा में वहां पे इंजीनियरिंग शब्द यूज होता है, अभियांत्रिकी कहा जाता है। तो ये जीन अभियांत्रिकी जो हिंदी में हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को, इसमें जीन का जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब जीन को काटा जाता है, उसमें कोई भाग को हटाया जाता है, किसी दूसरे भाग को जोड़ा जाता है या नए नए कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रकार की जेनेटिक्स की एक कह सकते मॉडर्न साइंस ऑफ द ब्रांच है, मॉडर्न साइंस के अंतर्गत आती है, जिसमें हम अलग अलग जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा अलग अलग प्लांट एनिमल्स बनाने में सफल होते हैं। मिसाल के तौर पे हम और आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी फसलों में कीड़े लग जाते, तो हम कीड़ों की समस्या से जिन्हें हम अनवांटेड पेस्ट कहते, तो आजकल मार्केट में ऐसी बीटी टेक्नोलॉजी वाली फसलें, हम और आप लोग बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोया, बीटी कॉर्न के रूप में देख रहे हैं, जिसमें कैटरपिलर या सूडी नहीं लगती, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है।
या हम और आप लोग देखते हैं कि ऐसी फसलें साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं जिनमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल। या हम देख रहे हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, मतलब उनमें बीमारी नहीं होगी, पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा, या ड्रॉट रेजिस्टेंस, कम पानी में भी वो उग सकती हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसे परिवर्तन कर दिए। तो ये सब जो अलग अलग परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के जीन को इंसान के अंदर किसी में दूसरे रूप में ले जाना, या प्लांट के अंदर अलग अलग, या इंसुलिन का अलग रूप, जो इकोलाई में इंसुलिन जो हार्मोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में बनाती है, वो बैक्टीरिया के माध्यम से क्लोन करके उसे लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना, इंसुलिन को ह्यूमिलिन के रूप में, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल हैं। और ये एक बहुत ही लेटेस्ट ब्रांच है जो आगे चल के हमें और आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाने जा रही है। लेकिन इसकी जो कहते हैं ना बुनियाद, ये जेनेटिक्स पे आधारित है। जी, जी, यस जी। तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि मेंडल साहब ने जो अपने काम किए, वो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो कि उन्होंने सेलेक्ट किए और इन पर काम किया। ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे करेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट हों, मतलब विपरीत हों, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। तो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपना काम किया और उनमें 7 पेयर उन्होंने कंट्रास्टिंग करेक्टर को चूज किया, जैसे तने की हाइट। अब तने में दो संभावनाएं हो सकती है, बौना तना वाला मटर का पौधा लिया, दूसरा उन्होंने लंबा टॉल पी प्लांट लिया, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। दूसरा फ्लावर का कलर, तो वायलेट फ्लावर वाला भी मटर होता है और व्हाइट वाला भी होता है, जिसमें वायलेट डोमिनेंट होता है और व्हाइट रिसेसिव होता है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फ्लावर पोजिशन में उन्होंने एक्सियल और टर्मिनल ऐसी पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। तो कई बार बच्चों आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि मेंडल ने जो अपना काम किया था जेनेटिक्स का, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, उनमें से कौन से करेक्टर मेंडल ने चूज किए थे। तो ये आपको याद रखना, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। और मेंडल ने अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखिए, एक इस स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया और दोनों के बीच में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और एक टर्म अभी आपको बताने जा रहे हैं जिसे हम एलील कहते हैं। तो इसके आधार पर फिर उन्होंने जब F1 जनरेशन में देखा तो उन्हें सारे प्लांट लंबे दिखाई दिए, अर्थात टॉल दिखाई दिए, और फिर उन्होंने सेल पॉलिनेशन किया। इस पर हम लोग अभी आगे और डिटेल में अभी आपको बताने जा रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि मेंडल ने जो अपना काम किया वो पी प्लांट पे किया, मटर पे किया, उन्होंने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, और इसके बाद उसके परिणाम के रूप में उन्होंने जो मटर के पौधे में जो फली देखी और उसके बीज जो प्राप्त किए, उनको जब उन्होंने जमीन में बोया तो उनको सारे पौधे टॉल मिले। तो ये टॉल प्लांट उनको मिले और उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था, दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया था, उनके बीच में उन्होंने पॉलिनेशन करके एक क्रॉस पॉलिनेशन करके जो या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था और उनको सारे पौधे टॉल मिले। और इसके बाद फिर उन्होंने इसी काम को आगे बढ़ाया, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जहां तक बहुत सारे साइंटिफिक टर्म इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर में, और ये साइंटिफिक टर्म बच्चों आपको आने चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स को तभी आप अच्छे से समझ पाओगे जब ये जो विज्ञान वाले शब्द हैं या जेनेटिक्स के शब्द हैं ये आपको पता होंगे। मिसाल के तौर पर मेंडल को जीन का कोई आइडिया नहीं था, मेंडल के समय में जीन की इतनी कंसेप्ट नहीं थी। तो मेंडल ने उस समय जो यूज किया जीन के स्थान पर, जिस शब्द का उपयोग किया उस शब्द को उन्होंने फैक्टर कहा। तो हम कह सकते हैं फैक्टर या जीन, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैक्टर और जीन आर नथिंग बट दीज आर द एक प्रकार से हेरिडिटी यूनिट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग और इन द प्रोजेनी। सेकेंड टर्म यू शुड नो अबाउट इट, दैट इज नोन एज लोकस। तो लोकस इज नथिंग बट लोकस, और अगर हम इसकी प्लूरल की बात करें, ये लोकस इज द सिंगुलर वर्ड एंड लोसाई LOCI लोसाई इज द प्लूरल वर्ड। सो लोकस इज द पोजिशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो बच्चों याद करो, जब ये सेशन शुरू हुआ था तब हमने एक बात पर चर्चा की थी कि हमारे
शरीर की कोशिकाओं के अंदर देयर आर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाती हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए पाया जाता है उसका एक छोटा भाग जो कोई एक फंक्शनल प्रोटीन को कोड करे उसे हम जीन कहते हैं। तो ये जिस स्थान पे स्थित होती है जीन उसे हम लोकस कहते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। एक शब्द और बच्चों बार बार यूज होगा, जैसे हम एलील कहेंगे, सिंगुलर में हम इसे एलिनोमॉर्फ कहते हैं, और एलील की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन फॉर ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पर शब्द होमोलोगस क्रोमोसोम आया है, तो एलील समझने के पहले होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा समझिए। होमो मीन्स होता है बच्चों समान, और लोगस शब्द मतलब जो बिल्कुल बनावट में समान हो, जैसा कि आप देख रहे हो, आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक से हैं, एक से रंग रूप के हैं जो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप उनके देखिए जीन की पोजीशन भी देख रहे होंगे, लोसाई भी देख रहे होंगे, समान है व्हाइट कलर से, जैसा कि आप देख रहे होंगे इनकी भी ये समान है। ऐसे क्रोमोसोम आइडेंटिकल होते हैं, उन पर जीन की पोजीशन भी आइडेंटिकल समान होती है, सेम होती है, तो ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। एलील जो होता है इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन और ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द आइडेंटिकल लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक प्रकार का आपको क्रोमोसोमल मैप दिखाया गया है, जो 14 क्रोमोसोम जो कि रूट सेल में पी प्लांट की पाए जाती हैं। तो ये कन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोपी है, उसके द्वारा जब स्टडी की गई तो ये अलग अलग 14 क्रोमोसोम किस साइज के होते, किस शेप के होते, ये देखा गया। तो कन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप की मदद से आप अलग अलग क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं या इस प्रकार से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो 23 क्रोमोसोम, जो 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर 14 क्रोमोसोम रूट सेल चूंकि डिप्लॉयड होती है तो उसमें 14 क्रोमोसोम की स्टडी की गई। ऐसे ही हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें, जीन शब्द पहले ही बताया था लेकिन ये हमसे साइंटिस्ट आपसे छूट गए थे। द टर्म जीन वाज गिवन बाय डेनिश जेनेटिसिस्ट जिनका नाम है डब्ल्यू जॉनसन। डब्ल्यू जॉनसन ने सबसे पहले शब्द जीन दिया था, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक क्रॉस वी विल डिफाइन ए जीन एज एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमिन ए कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक करेक्टरिस्टिक को डिटरमिन करते हैं। कुछ और इसमें टर्मिनोलॉजी है जो बच्चों अभी आगे चल के चैप्टर में हम लोग उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब आपको ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है और याद भी करना जरूरी है। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब फिनोटाइप ये हो सकता है कि द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द जीन एन एनवायरमेंटल फैक्टर। हमने आपको बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसी जलवायु में चला गया उसकी वजह से उनकी स्किन का कलर कुछ भी बदल गया, थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन हो गया, तो ये अगर उनके कुछ भी इन्फ्लुएंस हुआ उनकी बॉडी पर एनवायरमेंटल फैक्टर का, इसके अलावा अंदर के जीन, मतलब जीन के ऊपर एनवायरमेंट के प्रभाव से जो कुछ भी एक्सप्रेशन हुआ बॉडी में वो फिनोटाइप कहलाता है। लेकिन अगर हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप इज नोन एज जीनोटाइप। मतलब जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस ऑर्गेनिज्म का, और जिसकी वजह से उसका वाह है एक्सटर्नल अपीयरेंस बदला, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जीनोटाइप। तो हम एक बात तो आपके समझ में भी बार बार आ रही होगी कि फिनोटाइप कैन बी चेंज दे बट जीनोटाइप कैन नॉट बी चेंज। देवेन जी, हम जीनोटाइप को नेचुरली नहीं बदल सकते बट फिनोटाइप को हम बदल सकते,
किसी कोई व्यक्ति ऐसी जगह या ऐसे मान लीजिए आप लगातार गर्मियों के संपर्क में धूप में एक महीने तक लगातार रहे तो आपकी स्किन में थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके जीन वही रहेंगे, जीन नहीं बदलने जा रहे, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जीन के प्रभाव देखा गया, जीन का के ऊपर जो प्रभाव हुआ, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें आपको देखने को मिला जीन के प्रभाव के रूप में, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे जी। अब हम अलग अलग क्रॉसेस करेंगे, एक क्रॉस में आप जब देखोगे जब हम संकरण करेंगे, अभी मेंडल साहब ने ये प्रयोग किए तो उसमें दो शब्द और आएंगे, एक होगा फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो हम कह सकते हैं द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन इज नोन एज फिनोटाइपिक रेशियो, और द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन इज नोन एज जीनोटाइप। ऐसे ही दो शब्द और आएंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस हम इस ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल में आइडेंटिकल जीन जो पाए जाते हैं, जैसे कोई भी जीन है अब उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है वो एलील कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई जीन है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसके एलील कैपिटल टीटी हो सकते हैं और स्मॉल टीटी हो सकते हैं, तो एलील जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन होते हैं। तो होमोजाइगस तब हम कहेंगे कि कोई इंडिविजुअल में जब समान आइडेंटिकल जीन होंगे इन एन एलीलिक पेयर फॉर ए करेक्टर, जैसे कि सिर्फ कैपिटल टीटी रहे, मतलब तब हम कहेंगे होमोजाइगस टॉल, सिर्फ स्मॉल टीटी रहे, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ के लिए होगा तो हम कहेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये समझ पा रहे होंगे, हम मान लीजिए कैपिटल आर आर कहें, आर फॉर राउंड, तो हम कहेंगे होमोजाइगस राउंड सीड, प्लांट है प्लांट इज होमोजाइगस हैविंग राउंड सीड। तो ये जो ये अगर कैपिटल वर्ड से हम करेंगे तब हम लोग अभी बात करेंगे इसको डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, मतलब जो हमें एफ वन जनरेशन में फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जब हम क्रॉस करेंगे तब दिखाई देगा इस पे, हम उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो मास्क हो जाएगा वो रिसेसिव। लेकिन दोनों अगर पेयर में एक से पाए जाएंगे जैसे कैपिटल टीटी या फिर स्मॉल टीटी तो हम होमोजाइगस कहेंगे। हेटरोजाइगस में क्या होगा, द इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन इन एन एलीलिक पेयर ऑफ ए करेक्टर, एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। तो ये याद रखना है आपको, डोमिनेंट जीन द जीन दैट एक्सप्रेस इट्स करेक्टर इन हेटरोजाइगस कंडीशन, जैसे अभी हमने आपको बताया अगर कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट करेक्टर को हम कैपिटल शब्द से रिप्रेजेंट करते, मान लीजिए डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल टी से करते और रिसेसिव को स्मॉल टी से, तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में हुए मतलब हेटरोजाइगस पोजीशन में हुए तो जो करेक्टर हमें दिखाई दे वो डोमिनेंट जीन कहलाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में तो हमें टॉल प्लांट अगर दिखाई दे रहे हैं मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि डोमिनेंट जीन कौन सा है, कैपिटल टी। तो जो जीन जो एक्सप्रेस करेगा अपने करेक्टर को हेटरोजाइगस कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर, आर फॉर राउंड और स्मॉल आर फॉर रिंकल, जब साथ में होंगे तो आर कैपिटल आर है वो एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर छिप जाएगा, तो जो छिप जाएगा जो मास्क हो जाएगा हेटरोजाइगस कंडीशन में उसे हम रिसेसिव कहेंगे। सो द जीन दैट फेल टू एक्सप्रेस इट्स करेक्टर इन हेटरोजाइगस कंडीशन इज नोन एज रिसेसिव। ऐसे ही एक शब्द है हाइब्रिड, हाइब्रिड आप लोगों ने वैसे सुना होगा कई फसलों के रूप में कई फलों के रूप में कि हाइब्रिड फ्रूट हाइब्रिड सीड, सो हम कह सकते हैं हाइब्रिड शब्द तब उपयोग करते हैं द प्रोजेनी ऑब्टेंड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट दैट डिफर इन करेक्टर, तो अलग अलग करेक्टर एक टॉल है एक ड्वार्फ है अगर उनके बीच में हमने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया जिसे हम क्रॉसिंग कहते हैं तो हमें एफ वन जनरेशन में जो भी प्लांट मिलेगा उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। ऐसे ही दो क्रॉस और हम अब डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस और एक कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ये क्रॉसिंग है ये संकरण है जो करवाए जाते हैं, द क्रॉस बिटवीन एफ वन हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ दी वन ऑफ दी पेरेंट, या तो डोमिनेंट पेरेंट या रिसेसिव पेरेंट जो भी हो किसी के साथ भी एफ वन हाइब्रिड का क्रॉस करा दें हम तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे, द क्रॉस बिटवीन एफ वन हाइब्रिड फर्स्ट फाइलियल जनरेशन हाइब्रिड और उनका किसी भी पेरेंट के साथ
आइदर कैप्टन टॉल, कैप्टन स्मॉल टॉल, टीटी और कैप्टन टीटी, मतलब टॉल और ड्वार्फ किसी के साथ करा दे तो बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, द क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जब हम ऐसे हाइब्रिड का क्रॉस कराएंगे F1 हाइब्रिड का जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस जब करवाया जाएगा तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अब सवाल उठता है कि टेस्ट क्रॉस एक इसका एक विशेष पर्पज होता है, क्यों करवाया जाता है टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है कि इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। तो अभी हम इस पे आगे चर्चा भी करेंगे कि इससे हम पता करते हैं कि जो हाइब्रिड हमें मिला है वो हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। प्योर के इसलिए हम होमोजाइगस शब्द भी यूज करते हैं। जी सर, एक प्रश्न उठ रहा है क्योंकि बहुत विस्तार से आप चीज़ें बता रहे हैं हमारे छात्रों को और बहुत अच्छे ढंग से छात्र समझ भी रहे होंगे जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है। और चर्चा है का विषय है, एक बार फिर से जिक्र कर दें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो बहुत फिजिकली और मेंटली डिस्टॉर्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं फिजिकली और मेंटली। तो क्या साइंटिफिकली ह्यूमन बीइंग में इस तरह से कोई जीन का वेरिएशन, जीन का चेंज करना अभी तक संभव हुआ है या इस पर कोई रिसर्च या चर्चा चल रही है? बिल्कुल देवन जी, ये इतना अच्छा प्रश्न आपने किया जो हर बच्चे को जानना जरूरी है क्योंकि ये कंटेम्परेरी साइंस, मतलब ये रिसेंट में ये बहुत सारे एडवांसमेंट साइंस में हुए हैं। जी उस पर बहुत सारी डिबेट हो रही है क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि आमतौर पे हम और आप जो भी करेक्टर लेके पैदा होते हैं तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, उस पर मेरा आपका कोई वश नहीं रहता कि हम अपने जो भी, मैं आज जो भी हूँ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले, आपको अपने पेरेंट्स से मिले, हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिले। जी लेकिन आज के दौर में ये अब संभव हो गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने ये संभव कर दिया है कि जब कभी कभी कुदरत मेहरबान नहीं होती है, मतलब जो ख्वाहिश होती है पेरेंट की तो उनके बच्चे तेज दिमाग वाले हों, फुर्तीले हों, सुनहरी आंखें हों, घुंघराले बाल हों, हाई इंटेलिजेंस हो उनकी, तो लेकिन कुदरत मेहरबान नहीं होती। तो अगर वो चाहते हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिले, इन ट्रेड वाले बच्चे मिले, तो आजकल इस पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है और आज हम डिजाइनर बेबी के रूप में इन्हें देख रहे हैं। आपने, आपको मैं बताऊं, हम और आप लोग डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आपने डिजाइनर शब्द में इसलिए उपयोग कर रहा हूँ, डिजाइनर कपड़े मतलब हम अपने अनुसार उनको मॉडिफाई करके बनवाते हैं ना कि ये अच्छा लगेगा, ये बढ़िया लगेगा मेरे ऊपर। तो ऐसे ही इंसान भी, पेरेंट भी, इस पर शोध हो रहा है और भविष्य में हम ठीक पैरेलल जा रहे हैं ईश्वर के, ईश्वरी सत्ता को बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। इस पर इसलिए कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई एक सुपर ह्यूमन रेस ना पैदा हो जाए भविष्य में कि जिनके पास पैसा है वो अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, या हम कह सकते हैं जीनोम एडिटिंग कहते हैं, एडिट मतलब कहना संपादन करना, मतलब जैसे हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे थे ना, हैप्लॉइड सेट ऑफ दी क्रोमोसोम या में कितने जीन्स पाए जा रहे, तो वो अपने जीनोम एडिटिंग के द्वारा ऐसे डिजाइनर बेबी या ऐसे जेनेटिकली मैनिपुलेटेड बेबी बनाने में अब वैज्ञानिक सफल हो गए हैं और इस पर प्रयोग चल रहे हैं। एक्चुअली इसका ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बेसिकली HIV और कैंसर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए कि क्या ऐसा कर सकते कि उन डिफेक्टिव जीन को हम निकाल दें और इसके स्थान पर हम एक दूसरा जीन रिप्लेस करें। तो आजकल ये CRISPR-Cas9 एक जेनेटिक टूल है जिसकी मदद से हम जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं और इस पर तमाम बहस चल रही है दुनिया में। दो लॉबी है जैसा कि हर बार होता है, एक लॉबी कह रही है कि नई विज्ञान को आगे बढ़ना चाहिए, नए नए शोध करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक लॉबी कह रही है कि ये हम एक प्रकार के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं कि एक ऐसी रेस की तरफ जा रहे हैं कि भविष्य में जिनके पास पैसा होगा, संसाधन होगा, वो जीनोम एडिटिंग के द्वारा ऐसा करने सफल हो पाएंगे और एक अलग प्रकार की रेस ना डेवलप हो जाए और जो समानता का सिद्धांत है दुनिया का वो खत्म हो जाए। तो ये इस पर डिबेट हो रही है, ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं आया है फिलहाल अभी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताने की थोड़ी सी सामान्य ढंग से कोशिश की है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कुछ हद तक बच्चे समझ में आए होंगे कि आजकल जीनोम एडिटिंग से
हम ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो ख्वाहिशें जो पेरेंट की अधूरी रह गई वो पूरी करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन भविष्य का इंतजार है। हो सकता है दुनिया में हम ऐसे भी परिवर्तन देखेंगे क्योंकि इस पर शोध हो रहे हैं। जी सर, आगे बढ़ें और अगर आपके पास कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो आप तो देंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं, ये स्लाइड जो कि मैंने शो की है आप देख पा रहे होंगे, इसमें तमाम वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है और इन वैज्ञानिकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने नींव रखी, चाहे जेम्स वाटसन इन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के ऊपर काम किया हो, या बारबारा मैक्लिंटॉक एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थी और शी हैज डिस्कवर्ड द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट इन्होंने ट्रांसपोजोन इन मेज, सो एवरीवन शुड नो अबाउट। और मॉर्गन साहब ने तो बहुत जबरदस्त काम किया, जैसे कि हम आपसे अभी बात किए कि मेंडल ने अपने काम मटर के पौधे पे किए और उसके पीछे एक उनकी पूरी सोच थी कि मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है, इजीली ग्रो किया जा सकता है, मटर के पौधे का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब हम मटर को बोए और 3-3.5 महीने में हमको फल प्राप्त हो गया उसका फली के रूप में, तो हमने जो भी उसमें परिवर्तन किए वो हमको मिल गए और साथ में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी मटर में देखने को मिले। तो ये जो कुछ गुणों के आधार पर मेंडल ने इसे सिलेक्ट किया, और ठीक ऐसे ही थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर भी जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ड्रोसोफिला बच्चों वो होती है जो छोटी सी मक्खी फलों के आसपास हमारे फ्रूट के आसपास भिनभिनाती रहती है, उसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। वो मक्खी डिफरेंट होती है, हाउस फ्लाई अलग है, जो घरेलू मक्खी और जो कई सारी बीमारियों को फैलाती है वो अलग है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो होती है वो फलों के पास और बहुत छोटी होती है वो देखी जाती है, उस पर ड्रोसोफिला पर बहुत काम किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो ये जो ये आपसे कई बार 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, सो दीज आर द वेरियस रीजन दैट द प्योर वेराइटी आर अवेलेबल, पी प्लांट आर इजी टू कल्टिवेट, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट आर ओनली फ्यू मंथ, एंड फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग एक्सपेरिमेंट, एंड फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड बाय द मैनुअल वे और हाइब्रिड आर फर्टाइल। सो ये हमारी सब चर्चा हो गई, और मेंडल ने जब इस पर अध्ययन किया, मटर के पौधे पर काम किया, तो इसके आधार पर मेंडल ने अपने कुछ नियम दिए और उन नियम को हम मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं, और ये मेंडल के नियम है। एक मेंडल का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा मेंडल का नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा मेंडल का नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इन मेंडल के नियमों के आधार पर हम जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझने में सफल रहे। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें बच्चों, तो ये नियम हमें बताता है कि जब हम दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पेरेंट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो जो F1 हाइब्रिड है, F1 जनरेशन में हमें जो भी करेक्टर देखने को मिलता है वो करेक्टर डोमिनेंट होता है। अर्थात जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको बताएं, अगर टॉल मटर का पौधा, लंबा मटर का पौधा, ऊंचा मटर का पौधा का क्रॉस बौने मटर के पौधे से करवा दें, तो जो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बीज बनेंगे मटर के पौधे में, पहली जनरेशन में हमें वो बीज जब हम खेत में बोएंगे सारे मटर के पौधे लंबे होंगे, जबकि हमने क्या किया था, एक बौना पौधा लिया था, एक लंबा ऊंचा, लेकिन हमें तो सारे लंबे पौधे मिले, जबकि कुछ बौने या कुछ लंबे मिलने चाहिए थे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट प्राप्त हुए, और जो करेक्टर F1 जनरेशन में दिखाई देता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट करेक्टर, और जो करेक्टर मास्क हो गया, छिप गया, उसे हम कहते हैं, जो सप्रेस करेक्टर है उसे हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, और ये कहलाया मेंडल का पहला नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऐसे ही मेंडल का दूसरा नियम है जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन माने आप जानते हो पृथक होना, अलग अलग होना। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें आपको बताता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटी फैक्टर सेग्रीगेट सो दैट ऑफस्प्रिंग एक्वायर वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, इन अदर वर्ड एलील दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट एंड रियूनाइट रैंडमली
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट मेंडल्स. आगे चल के हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूप में थर्ड लॉ को देखेंगे. और इसे कई अभी हम अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको समझने चाहें तो इनहेरिटेंस ऑफ दी वन जीन के रूप में अगर हम देखें, तो मेंडल ने ऐसे आप समझिए कि जो टॉल प्लांट लिया जिसको एलीन कैप्टन टीटी हुए और स्मॉल टीटी हुए ड्वार्फ प्लांट के, तो जब इसके गैमेट बनेंगे तो गैमेट में केवल स्मॉल कैपिटल टी आया और यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के आधार पर मिक्स हुए एफ वन जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले और उनके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आया था. कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, दैट इज व्हाई द ऑल प्लांट आर सीन एज टॉल प्लांट एंड द स्मॉल टी एलील दैट expressing the character it was suppressed. जी. And in the F2 generation, sir, when the T is small t, sir, yes. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप इस विषय पर हमारे छात्रों से आज शेयर कर रहे हैं. और समय हमसे कह रहा है कि हम जल्दी ही अपने छात्रों से अनुमति लेंगे इस कार्यक्रम को संपन्न करने की, सत्र को समाप्त करने की. लेकिन कॉन्क्लूजन में कुछ कहना चाहते हैं आप, तो आप जरूर शेयर करें. तो बच्चों ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं जल्दी से खत्म कर दूं. ये जो एफ वन जनरेशन में टी स्मॉल टी है, लेकिन टी स्मॉल टी जिस प्लांट में है था, सारे टॉल प्लांट अगर हम इसका सेल्फ पोलिनेशन करें, सेल्फिंग करें, तो इसके जो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड ये गैमेट देखिए अलग अलग हो रहे हैं और फिर ये रेंडमली एफ टू जनरेशन में फिर मिलेंगे और हमको एक निश्चित रेशियो मिलेगा. एक होगा फिनोटाइप रेशियो, अर्थात तीन प्लांट हमें टॉल मिलेंगे, एक प्लांट हमें ड्वार्फ मिलेगा. और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो देखेंगे 1:2:1, अर्थात एक प्लांट होमोजाइगस टॉल, दो प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल एंड वन प्लांट इज होमोजाइगस ड्वार्फ. तो ये हम आगे भी अभी इसका दूसरा तीसरा भाग जब चलेगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे. कुल मिला के आज बच्चों आपने जाना कि हमारे आपके अंदर हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड डीएनए ही आगे चल के जीन्स बनाने में मदद करते हैं और जीन्स ही है जो ये मुझे और आपको अलग अलग करेक्टर्स को एक्सप्रेस, जो हम और आप लोग जैसे भी हैं जो भी हैं उसमें हर गुण की एक कॉपी मदर साइड से एक फादर साइड से मेरे आपके बॉडी में है. और मटर पौधे पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए और उसके पीछे उनका एक तर्क था कि सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, सेल्फ पॉलिनेशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इजी टू ग्रो है. और ऐसे ही ड्रोसोफिला पर थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया. तो ऐसे करके और हमें और आपको जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला. और मेंडल ने अपने नियम जो दिए, जो आपने आज बात की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डिपेंड असॉर्टमेंट. और अगर हम एक ट्रेट ऑफ दी करेक्टर को कंसीडर करें, एक जैसे हम टॉल के लिए कैपिटल टी टी एस और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, अर्थात जब हम सिंगल पेयर ऑफ दी कंट्रास्टिंग करेक्टर को कंसीडर करें तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. और जब हम डबल या टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लें, जैसे टॉल प्लांट विद राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट विद लिंकर सीड, सो सच क्रॉसेस आर नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे. आप लोग फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जरूर याद रखिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, अच्छा तीन प्लांट टॉल होंगे, वन प्लांट ड्वार्फ होगा. ये एफ टू जनरेशन का रेशियो है. और जीनोटिपिक रेशियो का एफ टू जनरेशन में होगा वन प्लांट प्योर टॉल, टू प्लांट हाइब्रिड टॉल एंड वन प्लांट प्योर ड्वार्फ या होमोजाइगस ड्वार्फ. प्योर के लिए हम होमोजाइगस शब्द भी यूज करते हैं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आज बायोलॉजी के स्टूडेंट्स समझ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस टॉपिक पर, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट पीजीटी केंद्रीय विद्यालय लखनऊ अलीगंज के श्री सुशील कुमार. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. हमारे छात्रों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ
शेयर करने के लिए। और अब चलते चलते अपने छात्रों से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे कि अगर इस बार की पाठ्य पुस्तकें दोस्तों अब तक आपने नहीं ली हैं तो आपके पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं, और इसमें सबसे पहला विकल्प ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि फ्री डिलीवरी में आपको पुस्तकें आपके घर पर मिल जाएंगी। और उसके लिए आपको जाना है ncertbooks.ncert.gov.in पर। और इसके अलावा सेल्स काउंटर से आप बुक्स ले सकते हैं, दिल्ली और अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी में ये काउंटर हैं। ये काउंटर हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होते हैं। इन काउंटर्स के एड्रेसेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर। इसके अलावा ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF वर्जन में, ई पाठशाला और दीक्षा, साथ ही साथ NCERT की वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसे आप अपने टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, या फिर इनका प्रिंट आउट लेकर के बुक्स के फॉर्म में आप तैयार कर सकते हैं। तो ये रही इन्फॉर्मेशंस और आज का विषय मैंने बताया कि इस पर चर्चा की, और इसके साथ ही आप दीजिए अनुमति आज के सत्र को यहीं संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने के लिए। धन्यवाद।